ये कुछ दिनों का काम नहीं है, ये पूरी जिंदगी का काम है। जो ऑब्जर्वेशन है उसी का तो सारा खेल है। एक जगह पर अगर आपको फोकस करना आ गया तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? सोचो, ये जो चीज है ऑब्जर्वेशन पावर्स को स्ट्रांग करने की, ये पूरी जिंदगी की है, 24 घंटे की है। ये नहीं है कि हम 5 मिनट के लिए कहीं बैठ गए और अपनी चेस खेला और सोचा कि हमारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो जाए। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, ये आदत का खेल है सारा। कि जिस इंसान की आदत है ना एक काम को बारीकी से करने की, वो छोटे से छोटा काम भी करेगा परफेक्शन के साथ करेगा। जिसकी आदत हो गई है फटाफट से बस काम करके मैं खत्म करूं, वो अंदर डीप में जाएगा ही नहीं, परफेक्शन की हदों को पार करेगा ही नहीं। तो आदत क्या है? कोई भी काम लाइफ में ये दिन में 5 मिनट या 10 मिनट करने का नहीं है, 24 घंटे। जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ वही काम कर, पूरे अपने ध्यान को सब तरफ से हटा करके उस काम में ले। जब पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं, उस टाइम के लिए घर पे मोबाइल को छोड़ करके आ गए, तो क्या कर रहे हैं? चलने पे ध्यान दे रहे, देख रहे हैं आसपास में क्या है। बुद्ध से जाकर के किसी ने पूछा कि मुझे एनलाइटेंड होना है, मैं क्या करूं, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज कही, देखने के टाइम पे देखना है, सुनने के टाइम पे सुनना है, सूंघने के टाइम पे सूंघना है, बोलने के टाइम पे सिर्फ बोलना है, और जब कुछ फील कर रहे हैं, जैसे अभी दो उंगलियां टच हुई तो जो फीलिंग हुई, फीलिंग के टाइम पे सिर्फ फील करना है, सिर्फ फील करना है। तो अगर इन चीजों को हम फील करने लग गए, एक एक काम को बारीकी से करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली जो भी हम काम कर रहे हैं, हम जिस भी लाइन में हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये हो, वो कुछ भी हो, आप उस काम को भी इंजॉय कर करके करोगे, आप उस काम को ध्यान से करोगे, आप उस काम को प्यार से करोगे। और जितना उस काम में प्यार जाता चला जाएगा, आपका ध्यान जाता चला जाएगा, आप उतना ही एक्सीलेंस की हदों को पार करते चले जाओगे। कि जिंदगी के हर पल में अपना सब कुछ डालना है, कुछ भी अगले पल के लिए बचा करके नहीं रखना। इन्होंने ये पूछा है कि जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं कि एक काम को ध्यान से करना है, अभी मैंने कह तो दिया, क्या आप अभी यहां से बाहर निकल करके जाओगे और एक काम को ध्यान से करने लग जाओगे? पढ़ाई कर रहे हो, पूरा का पूरा ध्यान सब जगह से हट करके पढ़ाई में आ जाएगा? मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, यूट्यूब की तरफ नहीं जाएगा, फेसबुक की तरफ नहीं जाएगा? क्या करोगे भाई, कैसे अपने ध्यान को उस जगह पर लेकर के आओगे? तो करना क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, आपको एक दिन में कोई झंडे नहीं गाड़ने हैं, एक दिन में इस ऑब्जर्वेशन के अंदर एक्सपर्ट नहीं होना है, ये पूरी जिंदगी की साधना है। वही तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक दिन या दो दिन का काम नहीं है। कि अगर आपने इस चीज को समझ ही लिया और इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो शुरुआत में क्या होगी, आप एक काम कर रहे होगे, बार बार आपका ध्यान भटकेगा। आप एक घंटे के लिए काम कर रहे हो, आपका ध्यान सिर्फ 5 मिनट टिका, बाकी के 55 मिनट भाग रहा है, यार उसने मुझे वो कहा था, उसने मुझे ये किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। होता है ना, एक बात जा करके दिमाग में बैठ जाती है, चिपक जाती है, एक थॉट है जा करके माइंड में घुस जाता है, और हम चाह करके भी उसको निकाल नहीं पा रहे होते कई दिनों तक, और कुछ कुछ लोगों के साथ तो कई कई महीनों तक, और कुछ कुछ लोगों के साथ में पूरी जिंदगी एक ही थॉट बार 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 दिमाग में घूमता रहता है। एक आदमी ने हमारे साथ में कुछ गलत कर दिया, बार 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 ना चाहते हुए भी उसकी याद आ रही है, जिसको हम भूलना चाहते हैं, बार 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 दिमाग में वो कीड़े की तरह घुस गया है। तो क्या होगा, शुरू में अगर आपने एक घंटा अपने ध्यान को एक काम में रोकने की कोशिश करी और आप फेल हो गए, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ 5 मिनट भी आप अपने ध्यान को उस काम में रोक पाए, ये सब बातें सुन करके जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, तो आप लाखों कदम आगे आ गए उन लोगों से जिनको अपने ध्यान को एक सेकंड के लिए भी एक काम में लगाना आता ही नहीं है।